हेलो हाय वेलकम गाइस। सो जैसा कि अभी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था कि NEET-19 के लिए कैसे हम लोग को पढ़ना है, कैसे अप्रोच करना है ना, कुछ मैंने उसमें 10 टिप्स इम्पॉर्टेंट बताई थी प्रोसीड करने के लिए, फ्रेशर्स के लिए भी और जो ऑलरेडी NEET-18 दे चुके हैं, जो ड्रॉप कर रहे थे उनके लिए भी मैंने डिस्कशन किया था कि किस तरीके से हमको NEET-19 के लिए अपना स्टडी स्टार्ट करना है। तो अब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमको टोटल 11th मंथ है हमारे, है ना, कैसे हम लोग को प्रोसीड करना है ना, कैसे अपने NEET-19 की प्रिपरेशन को और बेस्ट बना सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है, ताकि जो भी न्यू नोटिफिकेशंस हैं या फिर जो भी न्यू न्यू वीडियोस मैं डालता हूँ तो वो आप लोग को ईजिली तुरंत मिल सकें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला चीज़ जो है हमने इसमें यही डिस्कशन करना है कि NEET-19 का क्या प्लान है। टोटल हमारे पास अगर देखें तो जून से लेके और 30 अप्रैल, मोस्टली एग्ज़ाम जो होता है वो हमारा मई में होता है, तो 11th मंथ ही बचे हुए हमारे पास अब, है ना। 11th मंथ को भी मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला ये जो 6 मंथ है ना, जो हमारा जून से लेकर 30 नवंबर तक, यानी कि 6 मंथ में हमको क्या करना है, 6 मंथ में हमको सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट्स पढ़ने, ठीक है, पूरा सिलेबस को कंप्लीट करना है। और जो हमारे 5 मंथ हैं यानी दिसंबर से लेकर और 30 अप्रैल तक, वो हमें रिवीजन करना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमको याद रखनी कि 6 मंथ में हमें 30 नवंबर तक अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है, और लास्ट के जो 5 मंथ हैं वो हमको रिविज़न पर फोकस करना है। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, लोग सब कुछ पढ़ लेते हैं लेकिन रिविज़न में हर बार कमी आती है, जो कहीं ना कहीं एक रीज़न होता है नंबर कम आने के या फिर रिज़ल्ट बेटर ना होने के, हमारा रिवीजन बेटर नहीं हो सकता हो पाता। उसके लिए एक प्रॉपर प्लान होना ज़रूरी है। उसके पहले अगर हम देखें जो आपके नीट के सिलेबस में है ना, टोटल नंबर ऑफ़ चैप्टर्स पहले देखते हैं कितने हैं। तो फिजिक्स में जो है वो आपके 30 चैप्टर्स हैं, है ना, केमिस्ट्री में भी आपके 30 चैप्टर्स हैं, और बायो में टोटल जो है वो आपके 38 चैप्टर हैं। यानी कि टोटल अगर देखें तो 98 चैप्टर्स हैं वो आपके नीट के सिलेबस में जो कि आपको पढ़ने होते हैं, ठीक है। लेकिन हमेशा क्या होता है, कोई भी एग्ज़ाम आपको क्रैक करना होता है तो उसमें हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क की भी बहुत ज़रूरत होती है ना। यानी कि आपके पास स्मार्ट वर्क भी मैटर करता है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है स्मार्ट वर्क। अब कैसे हमको प्रिपरेशन करना है वो चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसा कि जो कुछ लोग जो प्रीवियस 9th-18th की प्रिपरेशन कर रहे थे उन लोगों को पता होगा, मैंने वीडियोस में डिस्कशन किया था कि कौन कौन से मेजर टॉपिक्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, उनका डिस्क्रिप्शन भी मैं इस वीडियो के एंड में जाके मेंशन कर दूंगा ताकि वो इजीली आप लोग वहाँ से देख सकें, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कैसे हम लोग को प्रोसीड करना है। तो अगर आप देखें तो जून से लेके और 30 नवंबर के बीच में टोटल जो है वो 26 वीक्स हैं, ठीक है। अब इन 26 वीक्स में पहले देखते हैं सब्जेक्ट कौन कौन से, कितना चैप्टर्स हैं। तो फिजिक्स में जो है वो आपको 20 से 25 जो हैं वो चैप्टर मेन मेन पढ़ने हैं, है ना, जिसमें से मोस्टली 20 चैप्टर जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट चैप्टर होते हैं, जो मेजर होते हैं उनको हमको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से न्यूमेरिकल उनके सॉल्व करने हैं। उसी तरीके से सेम केमिस्ट्री में भी 20 से 25 चैप्टर जो हैं वो आपको पढ़ने हैं नीट के लिए, ठीक है। उसी सिमिलरली बायो में 20 से 25 चैप्टर आपको बायो में पढ़ने, यानी कि तीनों सब्जेक्ट्स में 20 से 25 जो हैं वो मेजर सब टॉपिक हैं वो आप लोगों को पढ़ने हैं। यानी कि अगर आप टोटल ओवरऑल देखेंगे तो 60 से 70 चैप्टर जो हैं वो आपको पढ़ने हैं। आपको 98 चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं, 98 चैप्टर्स तो आपके पूरे सिलेबस में हैं, बट हमको सिर्फ उतना पढ़ना है जिससे हमारा सिलेक्शन हो सके और जिससे हमारे बेस्ट कॉलेज मिलने के चांसेस हों, ठीक है। अब देखिए क्या है, कैसे इसको प्रोसीड करना है। अब देखिए 26 वीक्स है हमारे पास, ठीक है। 26 वीक का मतलब हो गया कि 1 वीक है ना, टोटल 20 से 25 चैप्टर हैं, यानी 1 वीक में हर सब्जेक्ट से एक चैप्टर आपको एंड करना है, ठीक है। मान लीजिए जैसे आपने फिजिक्स का एक चैप्टर उठाया, तो फिजिक्स का एक चैप्टर जो है वो 1 वीक में ख़त्म हो जाना चाहिए, और साथ में उसका न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, वो सारा आपको 1 वीक में एंड कर देना है, ठीक है। इसी तरीके से आपको बायो का, इसी तरीके से आपको केमिस्ट्री का करना है। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो याद रखनी है आपको ये, क्योंकि हम लोग ह्यूमन बीइंग्स ही हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई स्टूडेंट 7ों दिन जाके कंटिन्यू पढ़ता ही रहेगा, है ना। एटलीस्ट जो भी, चाहे वो फ्रेशर हो, चाहे वो सेल्फ स्टडी कर रहा हो या कोचिंग जा रहा हो, एटलीस्ट 1 डे का उसको रेस्ट जरूर चाहिए, है ना। तो उसके अलावा आपको क्या करना है कि
एवरी संडे, है ना, आपको सातों दिन जाके ये नहीं पढ़ना है, आपको क्या करना है, 6 दिन आप पढ़िए और 7वें दिन आपको, यानी कि एवरी संडे आपको क्या करना है, रिवीजन ऑफ प्रीवियस डेज वर्क। मंडे टू फ्राइडे आपने जितना भी पढ़ा है, मंडे टू फ्राइडे आप जो कुछ भी पढ़े हैं उसको आप एवरी संडे, है ना, हर संडे वो आपको प्रीवियस पीरियड डे का आपको रिवीजन करना है ताकि वो आपको याद रहे, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा मेन प्लान है, है ना, जिससे हमको नीट के लिए प्रिपरेशन करना है। और जो आपका 5 मंथ लास्ट का बचेगा दिसंबर से 30 अप्रैल के बीच में, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, न्यूमेरिकल्स लगाने हैं, किसी ने अगर टेस्ट सीरीज में कोई ज्वाइन करेगा वो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बाकी मैं फेसबुक पेज पे भी जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा प्रीवियस ईयर के। एक और चीज़ जो है वो याद रखनी है वो ये कि जो भी आपका एक वीक में आपको एक चैप्टर ख़त्म करना है तो उस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल आप सॉल्व करें वो हमेशा न्यूमेरिकल आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से भी सॉल्व ज़रूर करें, है ना। आप इस चीज़ का वेट ना करें कि नहीं प्रीवियस ईयर का पेपर जो है वो बाद में सॉल्व करें, आप साथ ही में सॉल्व करते रहें, हर एक वीक सफिशियंट होता है किसी भी एक चैप्टर को अच्छे से सॉल्व करने का। ओके, थैंक यू गाइस। बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मैं डिस्कशन करूँगा किस तरीके से प्रॉपर स्टडी टाइम कर सकते हैं, है ना, कि कितने आवर्स पढ़ना चाहिए, किस सब्जेक्ट को कितना समय देना चाहिए, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। और बाकी सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, शेयर भी करें, है ना, ताकि जो भी न्यू नोटिफिकेशन है वो आप लोग को मिल सके। ओके, थैंक यू गाइस।